गाय की खाल गाय की फैक्ट्री बना रखी है, गौशाला का हाल है, गौशाला का गढ़ौली गौशाला जींद का यो हाल है यार, खाना में देख लो तब हरियाणा की हालत है यार। हरियाणा सरकार क्या कर रही है, गौशाला बंद हो या जो चंदा इकट्ठा करके काम कर रही है बंद हो, सरकार के थ्रू चला गौशाला, निजी गौशाला चलवा देंगे न समझ में आएगी। दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे हैं दड़ोली गांव की गौशाला में जो कि जींद जिले में आवा है। और आप देखोगे कि पुलिस प्रशासन भी आड़ पहुंच रहा था क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें न्यू दिखाया जा है कि जो गायें हैं उनको काटा जा है, उनकी खाल उतारी जा है, उनको बेचा जा है, तो वो चीज देखने के लिए आज पुलिस प्रशासन भी आड़ पहुंच रहा है। आप देखोगे जो नजदीक की थाना लग गया है, तो बाकी यहाँ का मुआवनाकरण भी पहुंचे हैं कि सच में ऐसा हुआ है, वैसे अफवाह फैलाई जा रही है। तो अंदर आ गए हम गौशाला के, तो अब आपने दिखाओगे भी यह बात सच्चे में है, वैसे ही अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पे मतलब जो गऊ है वो काटी जा है, तो के मामला है। वैसे पुलिस प्रशासन तक बात भी हुई है तो उनने कुछ बताया कि हम भी मुआयना करके आए हैं, देख कर आए हैं, तो हमने तो कोई सी बात लगी नहीं, क्योंकि अगर गायें की अड़ बात करें तो बताई जान लग रही है कि 4,500 तो ऊपर गायें अड़े है। तो साथियों आपने जो वीडियो देखी थी कि जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुई थी कि उस लड़के ने जो अंदर जाकर देखी होगी आपने जो वीडियो आप दिखाई गई है, तो उसके बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारी अड़े पहुँचने लग रहे हैं। SHO साहब पहुँचे थे, उसके बाद डिप्टी साहब पहुँच गए, और अब तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हैं। तो तहसील जो डिप्टी साहब है उनसे बातचीत करेंगे, वो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं कि मतलब निरीक्षण के बाद क्या सामने आया है। अच्छा आज एक वीडियो वायरल हो रही थी सर जिसमें मतलब बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर अडवारे में मतलब खाल बेची जा है गाय की, तो आपने निरीक्षण कराया है तो उसके बारे में क्या कहोगे? ऐसा है, हमने गौशाला को यहाँ देखा है और हम जाँच कर रहे हैं, जो भी इसमें आगे कार्रवाई बनेगी तथ्य मिलते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखो सर अभी आप वहाँ पे निरीक्षण भी करके आए हो, हाँ, अडवारे में जाकर, हाँ, तो जो वीडियो वायरल आया आपने ऐसा कुछ लग गया है? नहीं अभी चेक कर रहे हैं, जो भी है डॉक्टर भी बुलाएंगे हम, चेक कराएंगे। अच्छा। चेक करा के डॉक्टर ही अपनी रिपोर्ट देगा ना, उसके अनुसार फिर जो उचित कार्रवाई बनेगी हम कार्रवाई करेंगे, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा सर जो लड़के ने वीडियो वायरल की है तो उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? देखो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन बनता है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मतलब अभी जाँच जारी है। साहब भी यहाँ पे है, SHO साहब भी यहाँ पे पहुँच रहे थे, तो निरीक्षण करके आए हैं फिलहाल, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो भी साथ में है, जो कर्मचारी है, तो जहाँ पे मतलब मौके की वीडियो बनाई गई थी उसका निरीक्षण डिप्टी साहब करके आए हैं, और जांच में मतलब डिप्टी साहब ने कहा है कि डॉक्टर को भी बुलाएंगे, आगे की जाँच जारी रहेगी, जो भी जाँच होगी वो आपके सामने आ जाएगी, फिलहाल जाँच जारी है। तो डिप्टी साहब से भी बात हुई है, कल जो आपने वीडियो देखी थी कि दड़ोली गौशाला की एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक लड़के ने वीडियो डाल रखी थी, तो उसी पर लेकर है आड़ मतलब प्रधान जी भी है, बाकी सारे गौशाला कमेटी है जो वो भी आड़ उपस्थित है। तो राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? रामचंद्र देशवाल। तो ताऊ जो वीडियो वायरल हो रही है आपने भी देखी होगी गौशाला की, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं वीडियो मैंने नहीं देखी। अच्छा मुझे तो SHO का फोन आज पता चला है। अच्छा बाकी इस गौशाला में ऐसा कोई काम नहीं है, अडवारा तो है, मरी गायें हम दे देते, ये दे देते हैं गौशाला वाले, और वो उसके बाद जो दूसरे आदमी जो उनको उठाने वाले हैं अगला काम उनका है। अच्छा। उनको वो तनख्वाह पर रखे हुए इन्होंने, बाकी वो जो उसको उसका क्या करते हैं उससे उससे गौशाला को कोई कमाई नहीं है, कोई पैसा गौशाला लेती नहीं है, मतलब इन मरी गायों का गौशाला के पास कोई आमदनी नहीं है। अच्छा तो उन्होंने बताओ जैसे SHO साहब तहसीलदार साहब मतलब अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे, डिप्टी साहब भी निरीक्षण भी करके आए, मौके पे गए भी हैं, तो क्या कहना है उनका फिर? उनका ये कहना है अपने कागज ठीक रखो। अच्छा। और अपना ठीक काम करो, कानून और सच्ची बताओ, कानून के दायरे में रहो, और जो ये अडवारे का मामला है इसका हमने ये बताया था कि गाय ज़्यादा मरती हैं सभी गौशालाओं में, और हमारी गौशाला में ये गाय मरती थी, मरती थी, वो इस इलाके में इस गौशाला के एरिए में कोई जगह नहीं बची जहाँ मरी गाय ना हो, इसलिए अडवारा बनाया, दबाई नहीं गई, जगह नहीं बची गाय दबाने के लिए, इसलिए आचार्य बलदेव जी ने ये अडवारा बनवाया, कहीं देख कर आए थे वो। अच्छा। दूसरी जगह देखा उसने, शायद कैथल में कोई जगह है, कैथल जिले के अंदर, कैथल शहर में नहीं,
कैथल जिले में किसी मतलब जगह तो बात ये है कि मतलब दबाने की जगह नहीं थी तो दोबारा शुरू कर दिया फिर। हाँ अच्छा, तो ये बताऊँ तो बता रहे हैं कि 4000 तकरीब 4500 तक गाय हैं। गाय तो हैं, लेकिन उस वक़्त हमने हर जगह हमने दरख्वास्त भी दी है, सरकार के पास भी दरख्वास्त दी है। सरकार ने ये कहा भाई तुम अपना प्रबंध करो। हाँ तो मतलब यहाँ पे डबारे का। हाँ, क्योंकि हमने ये कहा था जी या तो कोई भी प्रबंध करो इन गायों का दबाने का, हमारे पास ज़मीन नहीं बची है, तो कोई प्रबंध करो चाहे अडवारा खोलो चाहे सरकार कुछ करो। तो वो तो 20-25 साल की पुरानी बात होगी, अब वो इतने साल के पुराने पता नहीं कागज़ हैं कि नहीं है। तो जब सरकार का असल तो जवाब नहीं आया था, हमने खुद जाना पड़ा था, और जवाब आया था ये था भाई एक गौशाला अपने आप करो ये काम, तो क्योंकि गौशालाओं के लिए सरकार की तरफ से उस वक़्त सुविधाएं बहुत कम थी, नाम मात्र की थी। तो मतलब कितने साल से चल रहा है अपना अडवारा? अपना अडवारा चल रहा है मेरे को जितनी मेरी याददाश्त है इस बुढ़ी उम्र में, वो 2006 और 2008 के बीच में यह अडवारा बना। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? दिलबाग कुंडू प्रधान कालवा बारा। अच्छा, ये अच्छा। हाँ, सब श्रद्धालु जो गो भक्त हैं वो आते हैं सारे सारे, अपनी मर्जी से अपनी श्रद्धा से लोग चंदा देते हैं, और उस चंदे के बिना पे ही इस गौशाला का निर्वहन किया जाता है। जहाँ तक ये जो वीडियो उसने एक डाली है, पता नहीं आजकल जो टेक्नोलॉजी है कहाँ की वीडियो बना के कौन कहाँ का नाम लेके कहाँ के डाल देते हैं। और जो गौशाला की आड़ में बहुत जगह देखा हमने, खामखा लोग चंदा करते घूमते रहते हैं, जबकि इस गौशाला में ऐसा कोई ना तो कोई ऐसा आदमी रख रखा कि जो खामखा का चंदा कहीं से ले लेगा और खा के बैठ जाएगा। हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने सारी चीज़ों का वो हिसाब किताब होता है। दूसरी बात, एक जब ज़्यादा गौ हुए हैं तो देखो जो आया है वो जाएगा, कन्फर्म टिकट परमात्मा ने सबका बना रखा है। संख्या ज़्यादा है तो मरेंगी ज़्यादा, और उसको डिस्पोज ऑफ करने का गाय के सब को कोशिश करता है गौशाला कमेटी के उसको ढंग से कराया जाए, लेकिन जब पार नहीं बसाती तब ये अडवारा शुरू करवाया गया था। अब सरकार बोलती है कि ये लाइसेंस लो, ये लाइसेंस लो, ये लाइसेंस लो, गौशाला कमेटी दफ्तरों के चक्कर लगाती घूमती रहती है, और वो सरकारी जो अधिकारी हैं उस पर कुंडली मारे बैठे रहते हैं, और फिर यहाँ आकर के इसी तरह की कोई वीडियो अगर कहीं से डाल दे तो पीछे पड़ जाते हैं। एक मेरा निवेदन है सभी गो भक्तों से, गो श्रद्धालुओं से जो चंदा देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें, क्योंकि ये एक आदमी की नहीं है, एक गांव की नहीं, एक पूरे समाज की है, और वो ज़्यादा चंदा देंगे, ज़्यादा दान देंगे तो यहाँ पर गौओं को और ज़्यादा देखभाल हो पाएगी। तो सभी से निवेदन है कि सर, वो लड़का जिसने मतलब ये वीडियो डाल रखी है वो कल यहाँ पर आया था? पता नहीं आया था कि नहीं आया था। अच्छा, हो सकता है ये हो सकता है उसने कहीं और ऐसे वीडियो बना ली हो, कहीं और की वीडियो, ये कन्फर्म नहीं कर सकते। जैसे अधिकारी लोग, बहुत सारे लोग आए होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा लोग आए हैं कल, इतने लोगों में क्या पता कौन कहाँ क्या घूम रहा है। अभी कोई रोक टोक थोड़ी ना है, इतना जब कोई जलसा होता है तो सभी देखते हैं, गौशाला देखने जाते हैं, गौओं को देखने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, और गौशाला कमेटी भी चाहती है कि लोग प्रबंधन को देखें, ठीक से करें और ज़्यादा दान दें। तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं, ना कल ऐसा कोई नोटिस में आया। बिल्कुल, तो देखो आपने जो वीडियो देखी, पूरी गौशाला कमेटी आड़ मौजूद है, जो दादा ताऊ है अच्छी उम्र के हैं तो वे भी सारे आड़ मौजूद है, जो कर्मचारी हैं तो सब तय हमने बात करी है। तो देखो पूरी की पूरी जो है आपने वीडियो देख भी ली है, वो वीडियो भी देख ली, बाकी डिप्टी साहब आड़ पहुँचे, SHO साहब पहुँचे, तहसीलदार साहब पहुँचे, तो उनने भी जो जानकारी दी वो भी आपके सामने रख दी है। तो अब इस सब के बावजूद आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।